चेक चेक टेस्ट वन टू चेक। अरे अरे काय चाललंय काय इथे इथे बिटू ना बस 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 या बर हां अरे हम लोग इंडियन नॉवेल्स कलेक्टिव का एक हम लोग एक संगठन बनाए हैं कि जो भारत में 24 लैंग्वेजेस हैं और लोगों को हम जैसे लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो हमको पता नहीं चलता है, तो हम लोग जो जो भी रीजनल लैंग्वेज उसको जो जो अच्छे थॉट्स हैं जो अच्छी ऑथर्स हैं उनको हम लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो ये एक कॉज है विच विल अपकीप आवर हेरिटेज फॉर आवर कंट्री एंड वी विल रियलाइज ऑल द माइंड्स थॉटफुल माइंड्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस। It is not only Munshi Premchand, the first book is of Munshi Premchand, but there will be this translation with a Bengali poet, a Malayalam poet, a Konkan poet. So basically all the regional language stalwarts will be translated into English so that it will be a future dissemination of the knowledge that they have. Because we have spoken to many actors and some of the actors really like Mr. Munshi Premchand's thoughts. So Vivek Oberoi and other actors, they will also do storytelling. So we are first doing storytelling and then afterwards people will get to know about it. गोदान पढ़ा प्रेमचंद जी का, तो मैंने उसमें से कुछ कुछ हिस्से पढ़े, तो वो हिस्से सिर्फ इसलिए पढ़ेगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कितनी ही खूबसूरत कहानी है, ताकि घर जाके आप किताब खरीदें और आप बोलें कि मुझे पूरी पढ़नी है। तो हम इस बहाने हम ये जो अपने लिटरेचर हमारा लिटरेचर है अभी हमको ही यू नो वी शुड ऑल गेट इन टच विद इट, हमें पढ़ना चाहिए और इतनी सुंदर कहानियाँ हैं हमारे पास, इतना सुंदर लिटरेचर है हमारे पास हिंदी में, पंजाबी में, कनाडा में, यू नो इन सो मेनी लैंग्वेजेस। आई थिंक हम सबको बस अपने रूट्स में जाके इन सब ब्यूटीफुल कहानियों को ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। गोदान का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है उन पति पत्नी की लड़ाई, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, जो होरी और धनिया की जो आपस में लड़ाई होती है ना, वो इतनी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, मोर देन अ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर फ्रेंड्स, और कभी भी ऐसा नहीं है कि होरी ऊंचा है या एज अ मर्द एज अ मेल कैरेक्टर, जबकि ये कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी बात है, आज़ादी के समय से पहले की बात है, तो ऐसा नहीं है कि मर्द ऊंचा है, ऊंचा स्थान है और औरत का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस कहानी में धनिया इज़ द वन जो एज अ फाइटर एज अ डोमिनेंट पर्सन निकल कर आती है, डिसीजंस लेती है, सो आई टोटली लव द मियाँ बीवी का जो नोकझोंक है, दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मुझे ना एक्चुअली मेरे फेवरेट अपार्ट फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, मेरे ना पंजाबी एक राइटर हैं शिव कुमार बटालवी, मुझे वो बड़े पसंद है, तो मैं शिव कुमार बटालवी साहब का बहुत सारा सब कुछ पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी काफ़ी मेरे फेवरेट पोएट हैं। माई लास्ट फिल्म वॉज हसीना पारकर, और हसीना पारकर के बाद मैं थोड़ी बीमार हो गई, सो आई कुड आई जस्ट काइंड ऑफ टुक अ ब्रेक बिकॉज आई ब्रोक माई बैक, तो उसके बाद मैंने अभी एक एप्लॉज के संग वेब सीरीज़ की है, और अभी मैं क्योंकि थिएटर बहुत करती हूँ तो अगस्त 18th एंड 19th को रॉयल ओपेरा हाउस में नया प्ले ओपन हो रहा है, उसका नाम है हेलो फरमाइश, और आद्यम का प्ले है आदित्य बिरला का, तो प्लीज़ देखने आए सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
पकड़नी चाहिए थी हाथ में। आपकी किताब है क्या जो कलेक्टिव की, इंडियन नॉवल कलेक्टिव? नहीं, अच्छा काम करे, मैं ये सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी अच्छा काम करे सपोर्ट करना चाहिए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो ये इंडियन नॉवल्स कलेक्टिव, जो JSW, स्पीकिंग ट्री, उन सब ने मिलके शुरू किया है। चार बड़ी दमदार औरतें हैं जिन्होंने ये शुरू किया है। और इंडियन लिटरेचर हमारे देश में सिर्फ हिंदी भाषा नहीं है, या कितनी सारी, 24 मेन भाषाएं और डायलैक्ट्स तो और भी ज़्यादा, और हमें एक दूसरे का लिटरेचर भी नहीं पता। हम बाहर के नॉवेल्स पढ़ते हैं, बाहर का लिटरेचर पढ़ते हैं, और अपने ही देश में बंगला में क्या लिखा है, कन्नड़ा में क्या लिखा है, मराठी में क्या है, तमिल में क्या है, गुजराती में क्या है, यही नहीं मालूम। तो कम से कम इंग्लिश ट्रांसलेशंस इसके जब अच्छे से होंगे तो यंग जेनरेशन, हम जैसे लोग भी, हम भी इसमें मतलब मुजरिम है एक तरह से, क्योंकि हम लोग भी लोकल लैंग्वेजेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते नहीं है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, तो कम से कम हमें जानने को तो मिलेगा। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो हमने बचपन में, मैंने खुद पढ़ा है बचपन में, मोटेराम का सत्याग्रह एक उनका एक नाटक था जो मैंने परफॉर्म भी किया है हबीब तनवीर के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है। और इस तरह की इन्होंने ऑलरेडी कई किताबें निकाली हैं इस इंडियन नॉवल्स कलेक्टिव ने, एंड वी होप कि और भी इस तरह की कहानियाँ निकालते रहेंगे। जी नहीं, गोदान प्रेमचंद की सबसे ज़्यादा सुविख्यात नॉवल है, और मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, और सिर्फ एक एक्सपीरियंस कई बार याद रहता है, नॉवल नहीं याद रहती, पर ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा था। तो आज जब प्रियंका सेठिया ने इसको फिर से पढ़ा तो बहुत चीज़ें वापस आ गईं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरती से लिखा हुआ है, और उस ज़माने की जो स्थिति थी गाँव की उसके बारे में बताया। दुख यही होता है कि 70 साल बाद भी गाँव की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, और इसके ज़िम्मेदार हम सभी हैं। किताबें मैं पहले ज़्यादा पढ़ती थी, मैं सच बताऊं तो पिछले 7-8 साल में बहुत कम पढ़ा है। एक तो छोटा सा मेरा बच्चा है उसको संभालती हूँ, और फिर मंटो ने ही मेरे 6 साल तकरीबन ले लिए। 2012 से मैं रिसर्च कर रही थी, लिख रही थी, अभी फिल्म बन गई है, उसके पहले चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में चेयरपर्सन थी, तो पिछले सालों में बहुत कम पढ़ा है। लेकिन मैंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी में पढ़ा है, और दुनिया के कई राइटर्स को भी, इंडियन राइटर्स को भी पढ़ा है, और कुछ कुछ इंडियन ट्रांसलेशंस भी पहले भी मैंने पढ़े थे, क्योंकि मेरी मदर नेशनल बुक ट्रस्ट में काम करती थी, वहाँ पर भी बहुत इंडियन लैंग्वेज के ट्रांसलेशंस होते थे, यानी बंगला लिटरेचर कन्नड़ा में हुआ, तमिल लिटरेचर किसी और भाषा में हुआ, तो उस तरह से मैं लिटरेचर के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरी माँ खुद पुस्तक की जगत की हैं, फादर आर्टिस्ट हैं, तो किताबों के साथ मेरा रास्ता बहुत पहले से है। थैंक यू, आई हैव टू जी जी जी। मंटो भी बहुत एक सुविख्यात राइटर हैं, लेकिन जब हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं या मंटो की बात करते हैं, जो हमारे लिए इतने ग्रेट राइटर्स हैं, आप सड़क पर चले जाइए, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे खुद के राइटर्स को हमने इतना सेलिब्रेट नहीं किया, उनको हमने अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट भी कम हुए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये फिल्म, छोटी सी मेरी एक अटेम्प्ट है कि मैं कम से कम मंटो को अपने बाहर वालों को सिर्फ नहीं, पर हमारे देशवासियों को भी बता सकती हूँ कि उनकी कहानियाँ आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आज भी मुझे लोग बोलते हैं अरे मैं मंटो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मैंने सारी कविताएं पढ़ी हैं, सारी नज़में पढ़ी हैं। तो मैं कहती हूँ उन्होंने कोई कविता कोई नज़म नहीं लिखी थी, उनको लगता है उर्दू में लिखा तो शायद बड़े शायर थे। तो हमें बहुत कम पता है हमारे अपने राइटर्स के बारे में, तो होपफुली इस फिल्म के ज़रिए लोगों को मंटो की राइटिंग और मंटो के बारे में और पता भी चलेगा।